जब हम लाइफ की वैरायटी को स्टडी कर ले उसको हम क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, या हम कहें बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को मेजर कर ले उसको हम क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। फिर हमारे पास आते हैं ये वैरायटी क्या चीज होती है, वैरायटी हमारे पास टू टाइप की होती है, एक को हम कहते हैं वैरायटी विद इन अ स्पीशीज, दूसरे को हम कहते हैं वैरायटीज अमंग द स्पीशीज। Within a species क्या है variety और among species क्या है। हम इधर एक example लेते, एक हमने ले लिया dog, दूसरा हमने ले लिया cat। जब हम ये dog का अलग species है और cat का अलग species है, जब हम इन दोनों के दरमियान comparison कर लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे variety among species, within species नहीं variety among species। जब हम फिर हमने क्या क्या एक और dog लिया, सारे डाक एक किस्म के होते हैं नहीं होते, इसलिए ये इन दोनों का स्पीशीज क्या है सेम है और इनका जीनस वगैरह मतलब क्या होगा अलग होगा। जब हम दो डाक के दरमियान कंपैरिजन कर ले उसको हम क्या कहेंगे वैरायटी भेजना स्पीशीज। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वन इज कॉल्ड फ्लोरा द सेकंड वन इज कॉल्ड फौना। व्हाट इज फ्लोरा व्हाट इज वन फ्लोरा, फ्लोरा से आप ले सकते हो फ्लावर, फ्लावर किस चीज में आते हैं फ्लोरा प्लांट, फ्लोर क्या है प्लांट है, तो इससे आसानी के साथ हमें ही आकस हो गया के फ्लोरा में बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरा। जब हम प्लांट के बायोडाइवर्सिटी को पढ़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे फ्लोरा। इसके बाद क्या हमारे पास रह गया एनिमल, रह गया तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड फौना। जब हम एनिमल के बायोडाइवर्सिटी को पढ़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे फौना, और जब हम प्लांट के बायोडाइवर्सिटी को पढ़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे फौना। इसके बाद आते हैं फैक्टर विच अफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द फैक्टर विच अफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हियर आर फोर फैक्टर विच वी डिस्कस विच इज डिस्कस इन आवर बुक। नंबर फर्स्ट इज क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी डिपेंड अपॉन क्लाइमेट। मकसद ये है के बायोडाइवर्सिटी हमारे पास और डिपेंड करती है इन्हेसार करती है क्लाइमेट पे, आबोहवा पे के या अगर आबोहवा कैसा है तो सबसे पहले हमारे पास और बायोडाइवर्सिटी डिपेंड अपन करती है क्लाइमेट पे। सेकंड वन हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करती है सॉइल पे, यानी मिट्टी की हालात कैसी है और जखीज है रेत वाली है कौन सी है। तो दूसरी जो फैक्टर है जो बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड बायोडाइवर्सिटी जिस पे डिपेंड करती है वो क्या है सॉइल। इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का माना है हाइट। मकसद ये है बायोडाइवर्सिटी हमारे पास और डिपेंड करती है किस चीज पे एल्टीट्यूड पे। क्या खाब को आप जानते होंगे ईगल को, ईगल किधर रहता है चट्टानों में चट्टान, तो क्या ईगल किधर क्या नाम है दरख्त पे घोंसला बनाते हैं नहीं किधर बनाता है चट्टानों पर। मकसद ये है वो रहना पसंद करते हैं कहे पे हाइट पे एल्टीट्यूड पे। वो आलम अकबर का एक शेर है नहीं है तेरा नशीम और कसर सुल्तान की गुनबत पर तो शाहीन है बसीर कर पहाड़ों के चट्टानों। इसके अलावा हमारे पास जो फैक्टर है जिस पे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड अपन करती है वो है हमारे पास प्रेजेंट ऑफ स्पीशीज। अगर हमारे पास एक जगह पे एक स्पीशीज हो तो दूसरी स्पीशीज उधर रह सकती है। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया रेड लिया, जहां पर हमारे पास ग्रास होंगे उधर क्या होगा रेड ज्यादा होंगे। मकसद ये है कि ये स्पीशीज जो है ये डिपेंड करती है ऑन द अनदर स्पीशीज व्हिच इज कॉल्ड एज ग्रास। अच्छा इसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा पास्ट स्टडी में कि हमारे पास अर्थ को हमने डिवाइड किया सेंटर पार्ट को हम क्या कहते हैं क्यूपिटर, जो सेंटर के नजदीक नजदीक ऐसे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, और साइड पे जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं पोलर रीजन नॉर्थ पोल और साउथ पोल वगैरह वगैरह। तो कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा किधर होती है रेजिस एंड ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में क्यों ज्यादा होती है कि उधर
हमारे पास हवा और सारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी के लिए मौजूद होती है। फिर हम कहते हैं इस समय ना टेम्परेट रीजन, फिर जो ऑपरेशन है ना पोलर रीजन। टेम्परेट रीजन में कुछ बायोडाइवर्सिटी होगा और पोलर रीजन में बहुत कम होगा, यानी वेरी फ्यू ऑपरेशन है ना पोलर। इसके बाद हम आते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की तारीख क्या है। बायोडाइवर्सिटी कब आई, जब पाकिस्तान में तब आई? नहीं, बायोडाइवर्सिटी हमारे पास 600 बिलियन ईयर आगो आई, यानी 400 बिलियन ईयर आगो। आज से हम जब 400 बिलियन ईयर आगो चले जाए तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की तारीख शुरू होती है। अच्छा, ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो अननोन टिल टू साइंटिस्ट। साइंटिस्ट को अभी तक ये पता नहीं है, हमें पता है नहीं, अभी तक साइंटिस्ट को ये पता नहीं है कि ये ह्यूमन जो है ये कब आए। 600 बिलियन ईयर आगे हम अगर हम जाए तो ऑल द लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। 600 बिलियन ईयर जब हम पहले जाए तो उसको सारी जो जिंदगी थी जमीन पर वो किस फॉर्म में थी, इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया थी। अगर कहें पे बैक्टीरिया का ऑप्शन नहीं होगा और लिखा होगा यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। अगर ये भी ना हो उधर एक और ऑप्शन हो प्रोक्रियट, तो 600 बिलियन ईयर आगो जब हम चले जाए तो अर्थ पर सारी लाइफ इन द फॉर्म ऑफ